आप देख रहे हैं BHBC News। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष की जांच करो, जांच करो, जांच करो। भर्ती घोटाले की CBI जांच करो, जांच करो, जांच करो। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। चलिए हम सबसे पहले आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून लिए चलते हैं। और देहरादून में पिछले 5-6 दिन से लगातार लोग आंदोलित हैं और मामला है विधानसभा नियुक्ति घोटाला। लोगों का कहना है कि विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई थी उसमें घोटाला है, उसकी जांच होनी चाहिए। हमारे स्टेट हेड वकील अहमद वहां पहुंचे और लोगों से क्या वार्तालाप हुई, चलिए आइए जानते हैं। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम सुलोचना इष्टवाल। सुलोचना जी, कब से यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? सर धन्यवाद आपका, हमें आज यहाँ पे 4 दिन हो गए हैं और हम लोग बस ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाले हुए हैं, जो UK 80 का जो मैटर है और इसमें और सारे भी जितने विधानसभा में है, जो दारोगा भर्तियाँ हैं, BDO है, जो भी भर्तियाँ हैं वो रखे, इनकी सिर्फ और सिर्फ एक CBI जाँच की मांग हमारी है और हम इसके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं चाहती हूँ, एक युवा मुख्यमंत्री हैं हमारे पुष्कर सिंह धामी जी आदरणीय, और प्रधानमंत्री जी से भी मैं इस माध्यम से बोलना चाहूँगी कि जो आपने डबल इंजन की सरकार तो बनाई हमारे राज्य में, लेकिन लूटने के लिए सिर्फ उत्तराखंड प्रदेश ही और रह गया कि जो सिर्फ उत्तराखंड प्रदेश से आप पैसा लूट लूट के लुटवा के अपने चहेतों से लुटवा के और आगे भेज रहे हो। कहीं हाकम सिंह देखो आप गिरफ्तारी में आ चुके हैं, लेकिन इनके पीछे जो हैं, हम चाहते हैं कि पहले उनकी जांच हो। ऐसा तो कोई कदम नहीं उठाता, कदम उठाने के लिए पहले आप देखता आदमी कि मेरे आगे कौन है, तभी उठाता है। हाकम सिंह भी अपने आप पैदा नहीं हुआ, हाकम सिंह के आगे पता नहीं कितने हाकम सिंह थे कि जो उसकी इतनी हिम्मत हुई, उसके बाद सारी जनता 13-33 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, 32-33। तो हमारी एक मांग है कि सबकी CBI जाँच होनी चाहिए निष्पक्ष रूप से, बस ये जाँच होनी चाहिए, उसके बाद हमारा ये आंदोलन खत्म होगा। और मैं जिस प्रकार हमारे अभी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी ने देखो ओपन बोला है, तो ये होता है ईमानदारी, चाहे वो अपने राजतंत्र में हो जैसे भी, लेकिन ईमानदारी के साथ उन्होंने ओपन बोला है कि जांच मेरी कीजिए। वैसे सारे मैं बोलूं कि जितने भी अभी इस 5 साल पहले जो सरकार थी, उससे पहले जो सरकार थी, सभी लोग सामने आ जाएं और ऐसे निष्पक्ष रूप से बोले कि मेरी जांच करो सबसे पहले, तो थोड़ा हमें भी विश्वास होगा। क्यों आपके हिसाब से हाकम सिंह का हुकम सिंह कौन है? अब ये तो हम बोल इसलिए नहीं, ओपन नहीं बोल सकते कि कुछ भी नहीं बोल सकते ओपन, पर इसके ऊपर कोई ना कोई हस्ती है, जैसे दुनिया को चलाने वाले एक ताकत होती है, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को चलाने वाली कोई ना कोई ताकत होती है, जिससे इनके हौसले बुलंद होते हैं, और हौसले बुलंद तभी होते हैं जब ऊपर से इनको पता रहता है कि हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन जनता की बददुआएं इनको जरूर लगेंगी, जिन्होंने 42 जाने दे के राज्य बनाया था और उस जान उनके ही बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, उनको मौका नहीं मिल रहा है, और ऐसे ऐसे हाकम सिंह अपने करोड़पति अरबपति बन रहे हैं और आम जनता रो रही है। बेरोजगारी इतनी बड़ी उत्तराखंड में है, आपको पता ही है, सारे बेरोजगारी है, लेकिन मैं एक दोष हाकम सिंह को ही नहीं दूंगी, यहाँ की जनता को भी मैं दोष देती हूँ कि आज भी जिस हम यहाँ पे बैठे, एक मेरे ही बच्चे नहीं है कि जो तैयारी कर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड के बच्चे हैं जो अपनी तैयारियों कर रहे हैं, अच्छी अच्छी फीस देके बड़े बड़े संस्थानों से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो लोग आगे क्यों नहीं आ रहे, तो उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि हमें भी हाकम सिंह मिल जाएगा, हमारे बच्चे लग जाएंगे, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी जब तक होगा नहीं, CBI जांच होनी चाहिए, तभी हमारे बच्चों को भी आगे, बच्चे मेहनत करने के लिए तभी तो करेंगे, नहीं तो बच्चे पता क्या बोल रहे हैं, युवा बच्चे हम देख रहे हैं, वो बोल रहे पढ़ाई करके क्या करना है, फिर भ्रष्टाचार से लोग लग जाएंगे, हम ऐसे ही रह जाएंगे। देखो बच्चों का उत्साह खत्म हो गया, युवाओं को, यहाँ की जनता को तो ऐसे ही खत्म कर दिया, उत्तराखंड की तो जनता मैं बोल रही हूँ कुछ बिक गए, कुछ चूक गए, किसी को नॉलेज ही नहीं है और कुछ ऐसे तरह मर गया, उत्तराखंड खत्म हो रहा है। लेकिन मेरी सारी उत्तराखंड की जनता को फिर भी एक बार निवेदन है, अपील है कि आप सभी लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लो, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य है। जय उत्तराखंड, जय भारत। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन, साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।